क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। आउट ऑफ 2000 पीपल एक्सपोज्ड टू स्मॉल पॉक्स इन अ विलेज 440 वर अटैक्ड। अब स्मॉल पॉक्स एक डिजीज होती है, 2000 में से 440 को ये डिजीज हुई थी, सो टोटल पर्सन 2000। मैंने बनाए हैं नॉट अटैक्ड एंड अटैक्ड, वैक्सीनेटेड एंड नॉट वैक्सीनेटेड। अब कुछ लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी स्मॉल पॉक्स की, कुछ को नहीं लगी हुई थी, लेकिन फिर भी दोनों कंडीशंस हुई। जिनको वैक्सीन लगी हुई थी उनको भी स्मॉल पॉक्स हो गया, और जिनको नहीं लगी हुई थी उनको नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ। तो अब हमें क्या देखना है कि आउट ऑफ 2000 पीपल एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स इन अ विलेज 440 वर अटैक्ड, 450 को स्मॉल पॉक्स हुआ है, सो 2000 में से 450 को स्मॉल पॉक्स हुआ है, तो कितनों को नहीं हुआ होगा माइनस करो। 2000 में से अगर 450 को हुआ है सो 1550 को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ है। अमॉन्ग द पीपल 365 वर वैक्सीनेटेड एंड आउट ऑफ देम 50 वर अटैक्ड। 365 को वैक्सीन लगी हुई थी, सो वैक्सीनेटेड लोग कितने थे 365, और उनमें से भी 50 लोगों को स्मॉल पॉक्स हो गया वैक्सीन लगी होने के बाद भी, तो ये है वैक्सीनेटेड एंड अटैक्ड बाय स्मॉल पॉक्स। सो टोटल वैक्सीनेशन 365 को लगी थी जिसमें से 50 लोगों को हो गया, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आगे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड वेदर वैक्सीनेशन कैन बी रिगार्डेड एज गुड प्रिवेंटिव और नॉट। वैक्सीनेशन लगाना सही है या नहीं है, सो यहाँ पर हमें लेना है वैक्सीनेटेड एंड सही है मीन्स नॉट अटैक्ट बाय स्मॉल पॉक्स। अगर वैक्सीन लगाना सही है तो अटैक नहीं होना चाहिए, सो वैक्सीनेटेड एंड नॉट अटैक्ट बाय स्मॉल पॉक्स। चलो वैल्यूज देख लेते हैं, 365 और यहाँ 50 है, 365 माइनस 50 315, सो 315 प्लस 60 करके देखेंगे। चलो नाउ ऐसे कर लेते हैं, 1550 माइनस 315 1235, 450 माइनस 50 400 एंड 2000 माइनस 365 1635। अब हम सारे चेक कर लेंगे कि कंसिस्टेंट डेटा है या नहीं है, सो 315 प्लस 1235 1550, 50 प्लस 400 450, 365 1635 2000। अब हमने ऐसे चेक किया, अब इसे ही ऐसे चेक करेंगे, सो 315 प्लस 50 365 1235 प्लस 400 1635 एंड 1550 450 2000। तो ये जो डेटा है ये कौन सा डेटा हो गया, कंसिस्टेंट डेटा। अब डेटा कंसिस्टेंट है तो आगे क्यू का फॉर्मूला करेंगे, और ये क्यू का फॉर्मूला आपको खुद को करना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, ए बी अल्फा बीटा ए बी अल्फा बीटा, ये माइनस ये प्लस, नाउ ए बीटा एंड अल्फा बी, ठीक है। फॉर्मूला आप खुद अप्लाई करोगे, और ये अभी मत करना, टाइम वेस्ट होगा, मैं नेक्स्ट सम करवा रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप बाद में प्रैक्टिस में करना या घर से करना। सर मंथ के एंड के बाद लाइन छोड़नी कि नहीं छोड़नी
चलो क्वेश्चन 21. इन एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ 60 persons, इट was फाउंड दैट 25 were सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस. ट्यूबरक्यूलोसिस का मतलब होता है टीबी. टीबी का जो डिजीज होता है ना उसे ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं. सो 60 पर्सन का इन्वेस्टिगेशन किया था एन 60, 25 were सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस. 25 को टीबी था तो कहाँ पर आएगा? देखो मैंने बनाया फ्री फ्रॉम टीबी, सफरिंग फ्रॉम टीबी. इनोकुलेटेड नॉट इनोकुलेटेड. इनोकुलेटेड मीन्स इंजेक्शन लगा हुआ था, वैक्सीन लगी हुई थी. ओके सो 60 में से 25 को टीबी था. सो सफरिंग फ्रॉम टीबी 25. फिर आगे दिया हुआ है 40% वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट टीबी. 40% को इनोकुलेटेड किया गया था, यानी 40% को इनोकुलेटेड किया था अगेंस्ट टीबी. 7% वर नॉट इनोकुलेटेड बट नॉट अटैक्ट बाय टीबी. 7% को इनोकुलेटेड नहीं किया गया बट उनको टीबी हुआ भी नहीं. सो नॉट इनोकुलेटेड एंड फ्री फ्रॉम टीबी 7. फाइंड कॉफिशियंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन इनोकुलेटेड अगेंस्ट टीबी, इनोकुलेटेड अगेंस्ट टीबी एंड फ्री फ्रॉम टीबी. फ्री फ्रॉम टीबी सो इनोकुलेटेड एंड फ्री फ्रॉम टीबी ऊपर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड. सो देख लेते हैं 60 एंड 40, तो यहाँ पर कितना आएगा 20. 60 माइनस 25 35. 20 एंड 7 13. 35 एंड 7, सो 35 में से 7 माइनस करेंगे 28. एंड 40 माइनस 28 12. 12 प्लस 13 25. तो डेटा कौन सा है? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट डेटा हो तो ही हम आगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ठीक है सो चलो डेटा कंसिस्टेंट है, आगे फॉर्मूला अप्लाई करो.
आ गया आंसर, समझ में आ रहा है चैप्टर अभी? क्वेश्चन नंबर 25। चलो समझ लेते हैं पहले। डू यू फाइंड एनी एसोसिएशन बिटवीन द नेचर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा? नेचर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब देखो मैंने बनाया गुड नेचर्ड सिस्टर्स, ऐसे सिस्टर्स जिनका नेचर गुड है, सिलेंट सिस्टर्स मीन्स सिलेंट का मतलब होता है उदास रहना या चिड़चिड़ापन रहना, एक होता है गुड नेचर हमेशा स्माइली फेस हंसते रहेंगे हैप्पी रहेंगे, दूसरा होता है कि उदास मुंह लटका हुआ है, ठीक है ना, कभी स्माइल नहीं होगा, चिड़चिड़ापन हमेशा उनके माइंड में फेस पर रहेगा। सो गुड नेचर्ड सिस्टर एंड सुलिन सिस्टर्स, दूसरा है गुड नेचर ब्रदर एंड सुलिन ब्रदर्स। सो गुड नेचर ब्रदर्स एंड गुड नेचर्ड सिस्टर्स 1040, तो कहाँ पर आएगा देखो, गुड नेचर ब्रदर्स एंड गुड नेचर सिस्टर्स 1040। फिर आगे हैं गुड नेचर ब्रदर्स एंड सुलिन सिस्टर्स, ब्रदर्स का नेचर गुड है, ये है गुड नेचर नहीं, ये गुड नेचर ब्रदर्स एंड सुलिन सिस्टर्स कितने हैं, 160 हैं, समझ में आया, ब्रदर्स गुड नेचर सिस्टर्स सुलिन, देन श्रीलिन ब्रदर्स एंड गुड नेचर्ड सिस्टर्स कहाँ आएगा, श्रीलिन ब्रदर्स एंड गुड नेचर्ड सिस्टर्स 180 एंड श्रीलिन ब्रदर्स एंड श्रीलिन सिस्टर्स दोनों ही चिड़चिड़ेपन वाले दोनों उदास तो 120। अब आगे क्या करना है, ये तो चारों डेटा दिए हुए हैं, टोटल्स करो और क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। सो 1040 प्लस 160 1200, 180 प्लस 120 300, 1200 प्लस 300 1500, 160 प्लस 120
280 and 1040 plus 180? 120. ठीक है, डेटा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 32, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलो 32. इन एन एग्जामिनेशन एट विच 60% कैंडिडेट्स अपीयर्ड, सॉरी 600 कैंडिडेट्स अपीयर्ड, 600 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए. सो एंड 600 लिखा हुआ है, बॉयज आउट नंबर्ड गर्ल्स बाय 16%. आउट नंबर्ड का मतलब होता है ज्यादा है, बॉयज ज्यादा है गर्ल्स से कितने, 16%. नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट एक्सीड्स द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स बाय 310. पास होने वाले कैंडिडेट फेल होने वाले कैंडिडेट से 310 ज्यादा है, एक्सीड्स मीन्स ज्यादा. बॉयज फेलिंग इन द एग्जामिनेशन नंबर्ड 88. फेल होने वाले बॉयज 88 हैं. फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन बॉयज एंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन. सो बॉयज एंड सक्सेस, सक्सेस मीन्स पास हो गए, तो मैंने बनाया पास फेल बॉयज गर्ल्स. सो हमें चाहिए बॉयज और सक्सेस. सो बॉयज और सक्सेस का मतलब होगा बॉयज और पास आउट इधर आएंगे, ऊपर आएंगे. चलो नाउ जो फोर्थ लाइन पर क्या दिया होता है, बॉयज फेलिंग इन द एग्जामिनेशन नंबर 88. फेल होने वाले बॉयज 88 हैं, तो कहां पर आएंगे, बॉयज एंड फेल्यूअर्स 88, ये नंबर दिया हुआ है. अब ये जो दिया हुआ है ना ऊपर, क्योंकि टोटल तो 600 हैं ये पता है,
बॉयज आउट नंबर्ड गर्ल्स बाय 16%, बॉयज 16% ज़्यादा हैं। तो कैसे पता चले कि बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं? यह है कि बॉयज 16% ज़्यादा हैं, बट कितने हैं नहीं पता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पहले आपको टोटल लिखना है, टोटल कितने हैं 600, उसमें से 16% जो बॉयज ज़्यादा है ना वो माइनस कर दो। सो 600 का 16% माइनस करो 96, तो टोटल कितने हो गए 504। अब इस 504 को है ना हाफ ऑफ कर लो, हाफ बॉयज हैं इसमें और हाफ गर्ल्स हैं 252। अब यहाँ पर जो माइनस किया था ना, जो बॉयज़ ज़्यादा थे, ये बॉयज़ क्या थे ज़्यादा थे, वो ज़्यादा वाले बॉयज़ बॉयज़ में ऐड कर दो, तो ये हो गए टोटल बॉयज़ और ये हो गई टोटल गर्ल्स 252 348। तो गर्ल्स कितनी हैं 252, सो गर्ल्स के सामने 252 और बॉयज़ के सामने 348। अब देखो 600 का 16% करो 96 आता है, देखो 96 बॉयज़ ज़्यादा है ना, बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस देखो, बॉयज़ 96 ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो एक ये कैलकुलेशन थी, नाउ दूसरी ऐसी कैलकुलेशन फिर से, नंबर ऑफ पास्ड कैंडिडेट्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स बाय 310। पास होने वाले कैंडिडेट्स फेल होने वाले कैंडिडेट से 310 ज़्यादा है, 310 ज़्यादा है। सो पहले 600 में से 310 माइनस कर दो, ठीक है, ये 310 कौन है पास होने वाले कैंडिडेट, तो कितना बचा 290। अब इस 290 का हाफ कर दो, हाफ पास हो जाएंगे हाफ फेल हो जाएंगे 145, ठीक है। अब ये पास होने वाले कैंडिडेट ज़्यादा है ना, तो पास में ऐड कर दो, तो फेल्यूअर्स हुए 145, 455। अब ध्यान से समझना, पास होने वाले कैंडिडेट्स 455, फेल होने वाले कैंडिडेट्स 145, इन दोनों का डिफरेंस देखो, पास होने वाले कैंडिडेट कितने ज़्यादा हैं, तो देखो 445 माइनस 145 310 आ रहा है, तो इसका मतलब है पास होने वाले कैंडिडेट्स फेल होने वाले कैंडिडेट से 310 ज़्यादा हैं। सो ये एक न्यू पॉइंट था, सीधा नहीं दिया हुआ था। चलो नाउ नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, 348 माइनस 88 260, नाउ ऐसे कैलकुलेट करते हैं 145 माइनस 88 57 195। कंसिस्टेंट डेटा है, क्यू अप्लाई करना है, ठीक है। चलो नोट डाउन करो,
ये हो गया नोट डाउन। चलो करें आगे क्वेश्चन 48। ध्यान इधर। 16,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन TY BCom एग्जामिनेशन। टोटल 16,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। सो पास फेल बॉयज गर्ल्स टोटल 16,000। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:5 इन इट। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:5 है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? सो बॉयज 16,000 टोटल इंटू 3/8। बॉयज कितने हैं? 3, और टोटल 3+5 कितना हुआ? 8। रेशियो याद है ना? 6,000 एंड गर्ल्स 16,000, गर्ल्स का रेशियो है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई और 5+3 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये बॉयज एंड गर्ल्स मिल गए हमें। सो बॉयज हैं टोटल 6,000 एंड गर्ल्स हैं 10,000। ठीक है, देखो सिंपली भी दे सकते थे लेकिन इन्होंने थोड़ा रेशियो यूज करके दिया है। द पास्ट स्टूडेंट एक्सीड्स द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स बाय 8,000। पास होने वाले स्टूडेंट्स फेल होने वाले स्टूडेंट से 8,000 ज्यादा हैं। सो पहले 16,000 माइनस पास होने वाले स्टूडेंट कितने ज़्यादा हैं? 8,000, तो 8,000 माइनस कर दिया, बाकी बचा कितना? 8, इसका हाफ ऑफ कर दो, हाफ पास हो गए हाफ फेल हो गए, तो ये होंगे 4,000, ये भी होंगे 4,000। अब ये जो पास होने वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं वो इसमें ऐड कर दो, ऊपर माइनस किया था इधर ऐड कर देंगे, तो पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए? 12,000, और फेल होने वाले स्टूडेंट्स 4,000। देखो पास होने वाले 12,000 और फेल्योर कितने हैं? 4, तो पास होने वाले स्टूडेंट कितने ज़्यादा हुए? 8,000, यही तो दिया हुआ है ना हमें कि पास होने वाले स्टूडेंट फेल होने वाले स्टूडेंट से 8,000 ज़्यादा हैं। चलो सो पास आउट, टोटल पास होने वाले कितने हो गए? 12,000, और टोटल फेल्योर्स कितने हो गए? 4,000। फिर आगे दिया हुआ है गर्ल्स फेलिंग इन द एग्जामिनेशन आर 2,400। गर्ल्स और फेल हुई हैं एग्जाम्स में 2,400। क्लियर? आगे दिया हुआ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सक्सेस। नाउ 4,000 माइनस 2,400 तो आंसर क्या आएगा? 1,600। 6,000 माइनस 1,600 4,400, 10,000 माइनस 2,400 76, एंड 76 प्लस 44, तो डेटा क्या है? कंसिस्टेंट डेटा, कंसिस्टेंट डेटा है तो आगे करेंगे। सो ये आपके सम्स यहाँ पर पूरे हुए।
फर्स्ट मेथड के, यूल्स मेथड, ये जो हमने यूल्स मेथड सीखा उसके सम्स आपके पूरे हुए। नाउ मैं आपको कुछ एग्जाम एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशंस होमवर्क में दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 7, 10, अगर कुछ हो गए पहले तो फिर से मत करना। इलस्ट्रेशन 15 इस टाइप का है जो मैंने अभी करवाया, ठीक है। सो ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये आपका यूल्स मेथड पूरा हो गया, नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे एक न्यू मेथड, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।